कई विपक्षी दलों के साथ कांग्रेस और एनसीपी ने तीनों कृषि कानूनों का विरोध किया है, साथ ही किसानों के बुलाए भारत बंद का समर्थन भी किया है। लेकिन अब राहुल गांधी हो या फिर शरद पवार, दोनों पर ही बीजेपी सियासी फायदे के लिए यूटर्न लेने का आरोप लगा रही है। किसानों के आंदोलन को समर्थन देकर तमाम विपक्षी दलों के साथ कांग्रेस खुलकर सामने आ गई। राहुल गांधी ने ट्वीट कर पीएम मोदी पर निशाना साधा और भारत बंद को अपना पूरा समर्थन दिया। वहीं बीजेपी पूछ रही है कि किसानों को अपनी उपज मंडियों से बाहर बेचने की वकालत करने वाले राहुल गांधी अब कृषि में सुधार के लिए बने कानूनों का विरोध क्यों कर रहे हैं। शरद पवार कृषि मंत्री थे, उन्होंने एपीएमसी में बदलाव करने का मॉडल कानून बनाया, वो सभी राज्यों को भेजा, 10 राज्यों ने स्वीकार भी किया और बाकी सब स्वीकार करे या वो आग्रह वो 2014 तक करते रहे, तो तब चर्चा नहीं हुई थी। सवाल शरद पवार से भी है कि एपीएमसी एक्ट में सुधार की बात करने वाले शरद पवार ने कानूनों का विरोध कर यू टर्न क्यों ले लिया। जवाब खुद शरद पवार ने दिया, जो तीन उन्होंने की है इसमें एपीएमसी का नाम भी वहाँ दिखाई देता नहीं, और इसलिए ये डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है, साजिश है हम लोगों का नाम लेकर, इसमें कोई ज्यादा महत्व देने की आवश्यकता नहीं। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के मुखिया किसानों के सुर में सुर मिलाने के लिए मीडिया के सामने आए। यदि आप निजी क्षेत्र में यदि मंडी देना चाहते हैं, हम विरोध नहीं करेंगे, लेकिन एक कानून आप बना दीजिए, एक लाइन और जोड़ दीजिए कि कोई भी चाहे मंडी हो या मंडी के बाहर निजी मंडी हो या पैन कार्डधारी हो, वो समर्थन मूल्य से नीचे खरीदी नहीं करेंगे। भूपेश बघेल ने निजी क्षेत्र से भी एपीएमसी पर खरीदारी की मांग की, तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने यूपीए सरकार के दौरान एमएसपी पर खरीद के आंकड़े रख दिए। विपक्ष ने ये जोर जोर से ऐलान किया था कि मंडियां बंद हो जाएंगी, और आज वस्तुस्थिति ये है कि एक भी मंडी भारत सरकार ने देश भर में बंद नहीं की। और हिमांशु जी, जब मैं दोगलेपन की बात करती हूँ, यही विपक्ष जब सत्ता में था तो पूरे विपक्ष ने मिलकर साल 2009 से लेकर साल 2014 तक मात्र 3 लाख करोड़ का एमएसपी ऑपरेशन में किसान तक पैसा पहुँचाने का काम किया। इसके बावजूद कांग्रेस विरोध से पीछे नहीं हट रही है, वो किसानों की आशंकाओं को सामने रखकर सरकार पर निशाना साध रही है। एनडीए की सरकार के गठक दल जो हैं, वो उनको छोड़कर जा रहे हैं, उनके मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं, उनके सहयोगी पार्टीज उनसे अपना हाथ खींच रहे हैं। आज 24 पॉलिटिकल पार्टीज दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक सब चाहते हैं कि किसानों की बात को सुना जाए। सरकार लगातार आरोप लगा रही है कि अपनी सियासत के लिए विपक्ष किसानों को भड़का रहा है, इस वजह से ही बात नहीं बन पा रही है। आज तक ब्यूरो।